इंदौर जिला कोर्ट के कोर्ट नंबर 30 में न्यायाधीश मुकेश नाथ की कोर्ट ने 11 साल पुराने मारपीट के मामले में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह सहित 6 आरोपियों को 1-1 साल की सजा और 5,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। इस मामले में 3 अन्य आरोपियों को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। हालांकि धारा 325 के तहत सजा होने के चलते सभी आरोपियों की को जमानत भी मिल गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, सभी दोषियों को जमानत यहां पर मिल गई है। 1 साल का कारावास और 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था, लेकिन 325 धारा के तहत सजा सुनाई गई थी और अब सभी को जमानत भी मिल गई है। दिग्विजय सिंह जी को 1 साल की सजा हुई, उनके साथ में 5 लोगों को सजा हुई है सर, 1-1 साल की सजा सुना दी गई है, क्या कहेंगे? झूठा केस है, FIR में हम लोग के नाम नहीं थे, बाद में जोड़े गए हैं दबाव के कारण। दूसरा, अभी जैसा वकील साहब ने बताया कि मेडिकल जो मेडिकल लीगल रिपोर्ट है उसमें बताया गया कि दाहिने हाथ में फ्रैक्चर है, जबकि चोट बाएं हाथ में है। अब किन किन धाराओं में जो है वो वकील साहब से पूछिए। और सर, आप क्या अपील करेंगे हाईकोर्ट में? निश्चित करेंगे हाईकोर्ट में अपील करेंगे। तो ये हमारे साथ में थे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, इनका कहना है कि अब जो वो इस सजा को लेकर हाईकोर्ट में अपील करेंगे। कैमरामैन केशव मराठा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज 24, इंदौर।